पानी मुंबई बोरीवली के एक्सर गांव में रानी झांसी उद्यान को टूटने से बचाने के लिए बोरीवली की जनता ने एक बड़ा मोर्चा निकाला और मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दरअसल मुद्दा रानी झांसी उद्यान को लेकर तब गंभीर हो गया जब मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी उद्यान को तोड़ने पहुंचे। तोड़क कार्यवाही की खबर पहले से ही लोगों को लग चुकी थी, तो हुआ यूं कि जैसे ही महानगर पालिका के अधिकारी उद्यान को तोड़ने पहुंचे, उद्यान के बाहर उपस्थित भीड़ विरोध कर बैठी। तोड़क कार्यवाही के लिए महानगर पालिका द्वारा लाई गई जेसीबी के सामने खड़े होकर लोगों ने आगे जाने का रास्ता रोक लिया, तो वहीं कुछ लोगों ने जेसीबी पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे। रानी झांसी उद्यान एक ऐसा उद्यान है जहां पर लोग चैन और सुकून के कुछ पल बिताने के लिए इकट्ठा होते हैं। लोग इस उद्यान में चहलकदमी करने का भरपूर आनंद लेते हैं, तो महानगर पालिका आखिर क्यों उद्यान को तोड़कर वीरान कर देना चाहती है? लोगों के समर्थन में आए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई अध्यक्ष विनोद सेलार ने महानगर पालिका के अफसरों पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया। झांसी पार एक्सर रोड पर सभी उत्तर मुंबई की जनता, दहिसर की जनता आई है और उसके समर्थन में हम भी आए हैं। लोगों की मांग ये है कि गवर्नमेंट ने अपने पैसे से, अपने कॉन्ट्रैक्टर द्वारा खुद ने परमिशन देकर लोगों के सुविधा के लिए जो रानी झांसी पार्क बना रहा है, आज खुद गवर्नमेंट उसको तोड़ने जा रही। इसमें एक तो पहली बात है कि गवर्नमेंट का पैसा वेस्टेज होगा और जो आम जनता के सुविधा के लिए जो पार्क बनाया है और गत कई सालों से लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, इधर सुबह जॉगर्स के लिए लोग जॉगिंग करने के लिए आते हैं, चलने के लिए आते हैं। रानी झांसी के नाम पर, ऐतिहासिक नाम पर, प्रेरणादायी नाम पर पार्क बना हुआ है, उसमें बहुत सारी प्रेरणादायक तस्वीरें और चीज़ें हैं। आम जनता रिक्रिएशन के लिए इसके फ़ायदा लेती है, वो आज टूटने जा रहा है। ये दुख यहाँ के जनता के मन में है और वो जनता ने हमें बताया और जनता खुद रास्ते पर आई है। हम उनके समर्थन पे यहाँ पर आए हैं कि रानी झांसी पार्क को बचाना चाहिए, ये लोगों की सुविधा है और लोगों के लिए रखनी चाहिए। अब सवाल यह है कि उद्यान बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद अब ऐसा कौन सा रोड़ा आ गया है कि उद्यान को तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है? उद्यान टूट जाने के बाद जनता का क्या? न्यूज़ स्टॉक लाइव के लिए रोशन सिरके की रिपोर्ट।